और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है नाराज हिंदू लड़की ने इस्लाम पर क्यों आरोप लगाया। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस देखते हैं क्या बोल रही है ये हिंदू लड़की। ठीक है, खुशबू पांडे जैसे एक नई लड़की आई है मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं क्या बयान उसका, डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखो, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सनातन क्या है, बच्चों को सिखाओ यार। तुम्हारी बेटी इस्लाम के चक्कर में क्यों फंसती है? इसीलिए फंसती है, तुम सनातन के बारे में नहीं बताते। सनातन की सच्चाई दिखाओ। इस्लाम की सच्चाई तो सब बता ही रहे हैं। इस्लाम इतनी बेइज्जती करता है सनातन की, क्यों करता है? क्योंकि हम नहीं बताते सनातन क्या चीज है। हम ये बता रहे हैं कि इस्लाम ऐसा होता है। इवन मूवी में ये तक बोला गया, हिजाब पहनोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे। क्यों रहोगे? हम मैं यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। इतने भाई खड़े हैं मेरे यहाँ पे, सारे कट्टर हिंदू हैं। मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, तुम भी कट्टर हिंदू बनो। और रही बात इन मुस्लिम्स की, तो मैं आज साफ कह रही हूँ, किसी में दम है फसा के दिखा दो। उन लड़कियों को जो सनातन को जानती है, जो हिंदू मतलब हिंदू धर्म क्या है उसको जानती है, तुम उन्हें ही फसा सकते हो जो हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जान सकती। सनातन क्या है सीखो बहनो, कट्टर शेरनिया बनो, हिंदू शेरनिया बनो हमारी तरह। हाँ, मेरा नाम लीला है, मैं JNU से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम दलित और हिंदू महिला को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू दलित और मुसलमानों को देखता हूं? इंसान की दृष्टि से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह मतलब कुरान में फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते वलकद करमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते लकद करमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मजहब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुबहाना व ताला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मजहब की किताबों का मुताला किया हूं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। दलित जो है, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, वो इस्लाम से मुतासिर थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो सेकंड मजहब पे गए जो उनके हिसाब से बेहतर था, वो बुद्धिज्म। और जो दलित है वो एक्चुअली देखे जाओ तो न्यो बुद्धिस्ट है। अफसोस की बात है कि दलित भी नहीं जानते कि उनका मजहब क्या है। और जब सेंसस होता है इस इंडिया का तो दलित को हिंदू में शुमार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए अलहदा हुए। लेकिन अफसोस की बात है आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, इसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिव्यूज ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16108 बीवियां थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू मजहब किताब का काफी मुताला किया, और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राममोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस राणा दे, राजा राममोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस राणा डे बंबई के थे, ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स। और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नजरिया था
कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नजरिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूं, और मैं कुरान की उस आयत का अमल करता हूं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवा इन बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मजाहब के, उस बात को लो लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मजहब की किताब, चाहे हिंदू मजहब हो या सिख मजहब हो या ईसाई मजहब हो या यहूद मजहब हो, सारी मजहब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मजहब का मुताला करेंगे हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मजहब की किताबों में हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी मजहब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है, इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पर निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नजरिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन के वजह से, पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में, इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया, उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। तो दोस्तों ये थी, तो गाइस ये था वीडियो, बहुत एक अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो था। और रियली जो जो वो हिंदू लड़की थी, ठीक है, वो क्या बोल रही थी, वो उनका कहना ये था कि मुस्लिम लोग हिंदू लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और पूरा गलत बात है ये, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे जितने भी अभी कितने दंगे हो रहे हैं मस्जिदों के सामने, ठीक है, लोग अभी आप देखे बिहार में क्या सिचुएशन हुआ, मदरसे को जला दिया गया, उनके जो धार्मिक किताब है मुस्लिमों के उसको जला दिया गया। तो ये कौन कर रहा है, मुस्लिम नहीं कर रहे। और अगर मुस्लिम लोगों को में अगर हिंदू लोगों पे ज्यादा इंटरेस्ट रहता या फिर उन लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश किए जाता, ठीक है, मुस्लिम लोगों की तरफ से, तो वो भी जाके फिर सेम चीज करते, मंदिरों के सामने वो करते, लेकिन नहीं, उसके बाद जो भी दंगा हुआ उसके बाद मतलब मुस्लिमों का ईद आया, उसमें बहुत पीसफुल कम्युनिटी बोला जाता है, मुस्लिम को रियली होते हैं, भले मीडिया और सोशल मीडिया उसे बदनाम, हाँ बदनाम करती है, सच में इनका जो अभी त्योहार हुआ, ठीक है, एक रमजान गया एक महीना पूरा, लेकिन वो चीजें नहीं दिखी उनकी साइड से। और ये लड़की बोली थी कि सनातन धर्म, मैं सनातनी हूँ, कट्टर हिंदू, सनातनी बनो, लड़कियों को बोल रही थी। तो पहली बात तो अगर जो धार्मिक रहेगा तो वो ऐसे अग्रेसिव नहीं रहेगा किसी के साथ, और जो जो खुद धर्मी होता है यानी कि जो धर्म को फॉलो करता है तो वो ऐसा कभी भी वो दूसरे धर्म को बुरा नहीं बोलेगा। तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप पहले खुद अपने धर्म को अच्छे से पढ़ो, रिसर्च करो उस पे। और डॉक्टर जाकिर नायक सर का जो रिप्लाई था, जो डॉक्टर जाकिर नायक सर से पूछी कि आप हिंदुओं और दलितों को कैसे देखते हो, आपका नजरिया क्या है, तो जहां तक कि मैं इस्लाम को समझा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक सर के वीडियो देखे हैं हम, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लाम है, इस्लाम में
कोई ऊंच नीच, छोटा कास्ट बड़ा कास्ट ये नहीं देखा जाता उसमें प्रॉपर तरीके से। मुस्लिम है मतलब वो मुस्लिम है, ठीक है, क्योंकि सेम वही जब हमारे नबी आए थे तो नबी ने खुद बोला था कि इसमें कोई छोटा बड़ा कास्ट नहीं होता, ठीक है। उनकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम सुने हैं उसमें, मतलब मुस्लिमों में जो इस्लाम रिलीजन है उसमें कास्ट वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो और जब हमारे इंडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बोला, तो वो भी बोले थे कि ये कास्ट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दलितों को जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता था वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक हद तक के बहुत कंट्रोल किया इंडिया में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो वो वैसे ही अमेजिंग लगते हैं हमें रियली, क्योंकि हमारे इंडिया से थे और हम उन पे भी प्राउड करते हैं। और आजकल देखोगे कि जो ये बोल रहे थे कि दलितों को हिंदू कास्ट में काउंट किया जाता है, लेकिन जो आजकल के जो भीम आर्मी वाले होते हैं ना, मतलब भीम सेना बोलते हैं उन्होंने, ठीक है, जो दलितों को, तो वो खुद बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ठीक है, हम इनके इंसान हैं। और जो भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बोले हैं, बोल के गए हैं, वही हैं हम, ठीक है। तो हमारे बीच में कोई कास्ट वाला सिस्टम नहीं है। और ये जो लड़की जो इतना बोल रही थी, ठीक है, ये मूवी देख के, तो यही द केरला स्टोरी का नतीजा है कि ये लोग निकल के ऐसा उनके दिलों में जहर भरा जा रहा है ये मूवी के थ्रू। तो यही चीज आप लोग कर रहे हो, ये मूवी जो जो भी देख रहे हैं, जो भी देखे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे अभी दो दिन से देखी कि सभी लोग एकदम अग्रेसिव हो चुके हैं दूसरे धर्म के लिए। तो इसीलिए ना ये जो मूवी है ये बिल्कुल मतलब एक खोखला किया जा रहा है देश को, देश को खोखला किया जा रहा है और जहर घोला जा रहा है एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी को भड़काने के लिए। उसमें प्रॉफिट किसी का नहीं होता है, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों का ही होता है। और हम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनते हैं, तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है, एक्टिव होना है लाइफ में और चीजों को समझना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और हमारे बातों से आप कितने सहमत हो ये भी आप लोग कमेंट किया करो। आप लोग अपनी अपना फीलिंग्स रखा करो, हम जो बताते हैं अपनी फीलिंग्स रखते हैं, आप लोग भी बताया करो कि क्या है कमेंट बॉक्स में, आप लोग सहमत रहते हो कि नहीं हमारे बातों से। तो गाइज अगर आप इस वीडियो पे न्यू हुए गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।